यदि आपका लक्ष्य सही है तो आपकी असफलताएं आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ने का साहस प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो कार्यक्रम है आप सभी के लिए विशेष और खास होने वाला है, यानी कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए जो है सितंबर माह कैसे रहेगा, क्या फलाफल आपको जो है आपके ग्रहों का ट्रांजिट देगा, किस तरीके से आपके ग्रह आपके लिए रहेंगे और कौन कौन से भाव में आपके ग्रह ट्रांजिट करेंगे और उसका फल आपके लिए क्या होगा। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है, इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी जो कुंडली है, चंद्र लग्न की एक कुंडली बनाई है, उसमें आपके ग्रहों का ट्रांजिट भी दर्शाया गया है, आपके ग्रह कौन कौन से भाव में ट्रांजिट करेंगे वो भी दर्शाया गया है। और आपको भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो अपने ग्रहों के बारे में। दोस्तों, इस चीज़ से आप सीख भी सकते हैं कि मेरे ग्रह कौन कौन से भाव में हैं, किस किस तरीके से ग्रहों का जो फलाफल है वो किस किस तरीके से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग मुझे भेज सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो आपके लिए जो है हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक फ्री प्रेडिक्शन, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उपाय के सहित आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपका जो है कर्क लग्न और कर्क राशि बनती है, इसमें कर्क लग्न के जो राशि स्वामी है आपके वो चंद्रदेव बनते हैं। तो चंद्रदेव जो है हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और आपके सेकंड हाउस में सूर्य बुध, आपके थर्ड हाउस में केतु के साथ शुक्रदेव और आपके अष्टम भाव में शनि, भाग्य स्थान में राहु और साथ में एकादश स्थान में गुरु और 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका? स्वास्थ्य हमारे शरीर की परम निधि है, स्वास्थ्य सही तो सब कुछ सही। दोस्तों, यहाँ के जो मालिक हैं चंद्रदेव, हर 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और दूसरे मंगलदेव 12वें भाव में हैं, जो कि यात्राएं इत्यादि आपकी ज़्यादा रहेगी। तो यदि आप भ्रमण पर हैं, यात्राओं पर हैं, बाहर आना जाना आपका है, तो आपके खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे आपका जो है जो लीवर है वो सही रहे, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे और आपको जो है कोई विकार ना हो, उसके लिए आप सतर्क रहिएगा। साथ में योगा और मेडिटेशन जरूर करिएगा, इससे आपको जो है आपका जो शरीर है वो आपका साथ देगा और आपका जो भी कार्य आप करना चाहेंगे वो हर्षपूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय कैसे रहेगा, यानी यहाँ के जो मालिक हैं पंचम भाव के, वो आपके मंगलदेव बनते हैं और मंगलदेव 12वें भाव में विराजमान हैं और यहाँ पर जो दृष्टि है वो जो है देवगुरु बृहस्पति की भी है, साथ में जो है शनिदेव की दृष्टि भी है और दूसरी चीज जो है यहाँ पर राहु देव की भी दृष्टि है। ऐसी दृष्टि होने से आपका जो भाव है, आपका जो मूड है, वो थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपको जो है पढ़ाई में जो है जिस तरीके से आप ध्यान लगाना चाहते हैं, वहाँ थोड़ा सा राहु की प्रवृत्ति कम करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए रुकावट जो है कौन करेंगे, यानी राहु देव करेंगे। इसके साथ साथ में देव गुरु ज्ञान के दाता हैं, वो ज्ञान की अधिकता आपके लिए करेंगे, मतलब आपको जो है ज्ञान की अधिकता तो रहेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, लेकिन कभी कभी राहु और शनि की वजह से रुकावट और आपके मन में जो है विस्मृति या फिर मन का भ्रमित होना, ऐसी स्थिति ये ग्रह करते हैं। क्योंकि ग्रह की अपनी एक खूबी होती है, जो ग्रह के अंदर जिस चीज का ज़्यादा प्रभुत्व होता है वो आपको उसी तरीके से देता है, यानी आपकी जन्म कुंडली और कर्म कुंडली, यानी यही है, और आप जो है जो आप हैं ये कुंडली है, जो कुंडली है वो आप हैं। तो ग्रह जो है चाहे कोई माने और ना माने, ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, क्योंकि ज्योतिषम नेत्र उच्यते, ज्योतिष आँखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी जो पढ़ाई है शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको यदि आप जो है नित्य रूटीन आपका सही है, भगवान को मानते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं अपने से बड़ों का, तो आपके लिए जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दोस्तों, इसी स्थान से देखा जाता है आपका प्यार प्रेम, और यहीं पर जो स्थिति मैंने आपको बताया, यानी राहु की भी है, मंगल की भी है, गुरु की भी है, तो ऐसी स्थिति होने से जो है
आपका एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम मोहब्बत तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं राहुदेव थोड़ा रुकावट करेंगे, साथ में शनि देव भी रुकावट करेंगे, और इसके साथ साथ में राहुदेव भ्रमित करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से आपसी जो दिक्कतें हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी और एक दूसरे का विश्वास आप हासिल करेंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर दिक्कत भी आ सकती है, मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन ये क्षणिक रहेगा और आगे की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। तो आपका जो है 75% आपका जो लव लाइफ है वो अच्छी रहेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, यानी वैवाहिक जीवन के जो मालिक हैं आपके वो शनिदेव बनते हैं और शनिदेव अष्टम भाव में हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी आपको रहेगी, या क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव और छठा भाव और बारहवां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति होने से थोड़ी बहुत चाहे शारीरिक दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत मनमुटाव भी हो सकता है, थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ सकती है। लेकिन इसमें क्या है, ये सामान्य है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सामान्य तौर पर थोड़ा परेशानी हो सकती है। बाकी ऑल ओवर आपका जो मैरिज लाइफ है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, आपका जो दाम्पत्य सुख है वो अच्छा रहेगा। पहले से कोई दिक्कत चली हुई आ रही थी, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, लेकिन यदि आप नित्य रूटीन में करते हैं और आपका आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति सही है तो अच्छी स्थिति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके भाग्य और करियर की। भाग्य स्थान के जो मालिक बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं, जो आय स्थान में हैं, तो भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वहाँ राहु भी है। तो राहुदेव की स्थिति होने से मतलब जो काम आज होना था वो कल होगा, जो कल होना था वो परसों होगा, मतलब थोड़ी बहुत विलम्ब हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम परेशानी दिक्कतें इनको आप पार करते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जो आपका कार्य है, जो आगे बढ़ना है वो होगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत झंझट, थोड़ी बहुत दिक्कत ये थोड़ा सा रहेगी, लेकिन इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, आपका भाग्य प्रबल रहेगा और स्थिति भी अच्छी रहेगी। राहु जो है त्रिक भाव में अच्छा फल देता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको रोकेगा नहीं, आगे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ के जो मालिक हैं वो आय स्थान में हैं, आय की आपको अधिकता रहेगी, आय आपकी अच्छी होगी, भले ही थोड़ा परेशानी से मिले, लेकिन आय आपकी अच्छी बनेगी। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं आपके करियर की, यानी कर्म स्थान की। आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन यहाँ के जो मालिक हैं वो बारहवें भावों में हैं। आपकी अनभिर्त यात्राएं हो सकती है, ना चाहते हुए भी यात्रा करना, मतलब यात्रा या फिर यात्रा आपने करी, जिस काम के लिए करी वो जो है देर से बने या ना बने, ऐसी भी स्थिति आपकी हो सकती है। कर्म स्थान है, यहाँ पर आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने नित्य रूटीन से पूजन करके, भगवान को मान करके, अपना कर्म सही करके, अपनी तैयारी अच्छी करके, तो आपकी जो स्थिति है वो बनेगी। अनघृत यात्राओं से बचें और जो है भगवान का पूजन जरूर करें तो आपकी यात्रा भी मंगलमय होगी। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं, आपकी नौकरी लग सकती है, आपका भाग्य प्रबल हो सकता है, आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत शारीरिक प्रॉब्लम या मानसिक कष्ट होने के कारण से जो है थोड़ा झंझट दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि कुंडली का जो बारहवां भाव है और छठा भाव है और आठवां भाव है ये थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, थोड़ा बहुत परेशानी जरूर करता है। और मंगल देव जब जो है दशमेश होकर के बारहवें छठे और आठवें भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चन जरूर लगा देते हैं, परेशानी जरूर कर लेते हैं और यात्राओं की अधिकता रखते हैं और स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। बाकी ऑल ओवर आपकी स्थिति सही बनती है। दोस्तों वहीं आपके व्यापार और बिजनेस की बात कर लें तो शनि अष्टम भाव में है, और स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, यानी अष्टम भाव में शनि के होने के कारण जो आपका दैनिक व्यापार है, जो दैनिक आपका जो है नित्य रूटीन में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा अड़चन भी आ सकती है, आपका जो डेली इनकम है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से बचें, और इसके साथ साथ में कोई साझे में यदि आप काम करना चाहते हैं उससे भी बचिएगा, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। बाकी ऑल ओवर आपका जो है यदि आप नित्य रूटीन अपना अच्छा रखते हैं, ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप जो है सही स्थिति में रहोगे, ग्रह अच्छे नहीं हैं तो कुंडली पर परामर्श लीजिएगा, जो भी ग्रह कष्टी हैं उसका उपाय करिएगा, तो कहीं पर भी आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप परेशान नहीं होगे, अनघृत खर्चा आपका नहीं होगा और कोई ऐसी बेवजह की दिक्कत आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि यदि हम मार्ग पूछ करके मार्ग चलते हैं तो मंजिल पर जल्दी पहुँचते हैं, और मार्ग का पता ना होते हुए मार्ग पर चलते जाते हैं
तो पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन जो है घूम फिर के पहुंचेंगे तो लेट जरूर लगेगी। तो वही स्थिति है, अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं जिससे आपको जो है दिक्कत है, परेशानी है, वो सूक्ष्म तरीके से आप पार कर सको। जी हाँ दोस्तों, क्या करना होगा आपको उपाय, उपाय में आपको जो है मंगल देव की बीज मंत्र की एक माला का जाप आपको जरूर करना है, ओम क्रां क्रीम क्रौं सब होमाय नमः। इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करिएगा, और साथ में जो है शनि चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिएगा, और इसके साथ साथ में जो है आप लाल गाय को यानी रेड कलर की गाय को आप चारा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी, दांतों के विकार से आप बचिएगा। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बने रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर माह, जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव।